तरह से कुकर ठंडा हो गया है। अब कुकर को खोलते हैं। वाह मस्त लग रहा। अब देखो इसे मिला करके इसे चलाते हैं एक बार कलछी से, तो देखो सब्जी क्या कलर है मम्मी। ग्रेवी भी पूरा ठीक है। लहसुन दोस्त दोस्त है, यही बना इसका दोस्त मतलब है। यार है दोनों यार है। जहाँ प्याज जाएगा लहसुन जाएगा। आज क्या बना रही हूँ मम्मी? आलू चने की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि हरे सब्जी खा खा करके तो बोर हो गई हूँ, तो सोची आज आलू चने की सब्जी बना लेती हूँ। तो आज आलू चने की सब्जी ही बनेगी? हाँ आज आलू चना ही बनेगी। ठीक है चलो देखते हैं। देखो यहाँ हम गैस को ऑन कर लिए थे, अब कुकर को चढ़ा दिए गर्म होने के लिए। अब गर्म हो रहा है कुकर, तो कुकर गर्म हो गया तो उसमें डाल देते हैं 2-3 चम्मच के आसपास तेल। अंदाजा से तेल डालना है, लाभ जितना बना रहे उस हिसाब से तेल। हाँ, उस हिसाब से तेल डालोगे ना। अच्छा, ज्यादा तेल डाल दोगे तो ज्यादा तेल एकदम चप चप लगेगा, वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। कम तेल डालोगे तो सूखा सूखा लगेगा, सब्जी अच्छी बनेगी। सब्जी अच्छी बनेगी, मात्रा के अनुसार तेल डालना है। ठीक है फिर उसको गर्म होने देंगे थोड़ी। थोड़ा सा गर्म होने दो, नहीं तो तेल का कच्चापन रहेगा। लो कैसे है, हाई की लो? नहीं मीडियम, लो और मीडियम के बीच में रखना है लो को। ठीक, अब देखो तेल गर्म हो गया है। अब देखो तड़के में क्या हम डाल रहे हैं। एक है बड़ी इलायची, 5 लौंग है, 2 छोटी इलायची है, थोड़ी सी जो है जावित्री का फूल का टुकड़ा ले लिए हैं, 5 काली मिर्च है और 1/2 चम्मच जीरा है। हमारे पास में जो गरम मसाला रहे, जितना गरम मसाला रहे उसे तड़के में दो। लेकिन एक चीज का यहाँ ध्यान रखना क्या है, जो यहाँ जो ये इलायची होगी, बड़ी इलायची हो या छोटी, इसको थोड़ा सा मुंह को फोड़ दो इस तरह। अच्छा, क्योंकि इससे फ्लेवर आएगा, फ्लेवर के लिए। अच्छा हाँ, देखो तेल गरम है। ठीक। अब इसमें ये डाल दिए। अब देखो तेल में डालते ही चटकना शुरू हो गया है। अब देखो फ्लेवर मिक्स हो जाएगा। हाँ अब इसमें थोड़ा सा हमको चटक लाना है। चटक कैसे लगाएंगे, यहाँ जो बघार में हम क्या करते हैं, 2 सूखी लाल मिर्च डाल देते हैं। ठीक है, 2 तेज पत्ता डाल दिए। इस तरह से बनाओगे ना तो बहुत आसानी से बन जाएगी। और बैचलर्स भी बना सकते हैं, मतलब इतने कम बहुत आसानी से बनता है। अब देखो थोड़ा सा इसे मिला दो, जिसे ऊपर नीचे हो जाए। अभी कुल कितना समय लग जाएगा मम्मी इसमें? अरे इसमें जो है 10-12 मिनट लगता है। कुकर में बना रहे हैं ना, कुकर में जल्द बन जाता है और झंझट भी नहीं है। जो ऐसे कड़ाही गंदा होगा तुम लोग को ऐसे भी परेशानी होता है बनाने में। अगर इस तरह से कुकर में बनाओगे ना तो सब्जी बना लोगे, 10-12 मिनट में सब्जी बन जाएगी। उसके बाद इसको निकाल लो, चावल बना लो, सब्जी चावल खा लो। वैसे भी बैचलर्स के पास में टाइम नहीं रहता है, स्टूडेंट है या नए कपल्स है उनको बनाने नहीं आता। हाउसवाइफ भी बना सकती है, मतलब जो सब्जी खा के लोग बोर हो गए हैं। हाँ तो आलू चना बना लो। चना तो इसे भी बिहार में बहुत ही फेमस रहता है, चने की हर एक चीज बनती है। अच्छा इसके बाद फिर? अब देखो यहाँ चटक गया है, इसको चटकना कहते हैं, चटक गया है। अब यहाँ हम दिखाते हैं तुमको, यहाँ 2 प्याज को जो है ना कद्दूकस पे घस लिए। अच्छा मतलब काटना नहीं, कद्दूकस कर लेना। काट लिए हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास में कद्दूकस नहीं है ना उसको बारीक काट लो। अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ 2 टमाटर को भी धो करके रख ली, काट लिए हैं 2 टमाटर। हाँ यहाँ 2 लहसुन की गांठ थी, देसी लहसुन है, ठीक है, इसे हम छील लिए अच्छा से, कली निकाल लिए। यहाँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा को भी हम कद्दूकस पर घिस लिए, फ्रेश है सब, सबको अच्छी तरह से कर लिया। अब देखो पहले यहाँ पर क्या करना, हमें प्याज डाल लिए, प्याज डाल दिए। अभी इसमें कुछ हुआ नहीं रख दिया गरम मसाला का। अब देखो इसे थोड़ा सा मिला देते हैं, अब गैस तक फ्लेम को लो कर देते हैं। ठीक है, लेकिन प्याज को थोड़ी देर हमें भूननी है, जिससे कि इसका प्याज का जो कच्चापन निकल, मेरे सब्जी को बिगाड़ देगी प्याज। अच्छा लो इसलिए कि जो जल ना जाए, जल ना जाए। अच्छा अब इसे इसे गाँव घर की भाषा में कहा जाता है पसीजना, मतलब प्याज को पसीजने दो, इसको हल्का सा भूनो जिससे यह पूरी तरह से गोल्डन हो जाता है। हाँ हल्का गोल्डन कर गोल्डन हो जाता है। तो चने के साथ क्या बनाओगी मम्मी? चावल, चावल रोटी कुछ भी खा सकते हैं। हाँ, क्या अच्छा लगता है, चावल की रोटी अच्छा लगती है? दोनों अच्छा लगता है। देखो खाने पर है, अगर दिन में खा रहे हो चावल, जल्दबाजी में हो तो चावल बना लो, नहीं अच्छा। अगर आराम से हो तो रोटी बनाओ। बीच बीच में इसको मिलाते रहेंगे। हाँ बीच में मिलाओगे ना, नहीं तो नीचे बैठ जाएगी, नीचे से जल जाएगी। ऊपर से चला दोगे तो
एक जैसा मतलब भुनाना चाहिए। अच्छा। देखो प्याज हल्का हल्का सॉफ्ट हो रहा है ना। देख रहा। मतलब शुरू में थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। हाँ थोड़ा सा बन जाएगा, बहुत जल्द में बन मतलब मसाले फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो भूनोगे ना, कच्चा रहेगा तो खाने में स्वाद खराब आएगा। नहीं मसाले ही हैं। हाँ। अच्छा प्याज के बाद फिर क्या जाएगा? प्याज के बाद जो है ना, अब देखो लहसुन जो है यहाँ पर हम लहसुन को मतलब अब यहाँ कूटे नहीं है, तो लहसुन जो है इसको हम वैसे ही डाल देंगे क्योंकि कुकर में बना रहे हैं ना। अच्छा, इसमें तो गल जाएगा, इसे बाद में मिला देंगे। देखो अब लहसुन डाल देते हैं। कोई लहसुन ना डालना चाहे तो नहीं डाले, लहसुन प्याज के बगैर भी तो चना बनता है ना, नवमी अष्टमी नवमी में बनता है ना, उसमें भी अगर लहसुन मतलब टेस्टी लगेगा। हाँ बहुत टेस्टी बनता है। चलो बढ़िया, तो ये डाल दिए लहसुन, लहसुन के साथ ही डाल दिए अदरक। अदरक हरी मिर्च अभी नहीं डालेंगे, हरी मिर्च तड़के के लिए रखेंगे, लास्ट में भी तड़का लगेगा उसके लिए रखेंगे। अच्छा अब सबको मस्त से मिला देंगे। हाँ मिला, थोड़ा देर से भूनना है क्योंकि लहसुन का भी थोड़ा सा लहसुन सॉफ्ट हो जाएगा ना, लहसुन में कलर आ जाएगा, लहसुन में भी थोड़ा सा कच्चापन निकलना बहुत जरूरी रहता है। देखो अभी से मिला गैस का फ्लेम, हम यहाँ पर मीडियम कर, स्मेल भी आनी शुरू हो गई है। हाँ अभी बना भी नहीं है तो स्मेल भी आने लगी है, पता चल रहा अच्छा ही बनने वाला है। इस तरह से बनाओगे ना तो आसानी से बन भी जाएगी या तुम खा भी लोगे। सिर्फ हम ही खाएंगे कि आप लोग भी खा लेंगे? हाँ तो हम तो वहाँ घर में तो इसे बनाते हैं ना, अकेला रहने वाला बहुत दिक्कत है, इसलिए सीख लो बनाने में आसानी रहेगी। प्याज तो बहुत ज्यादा हो गया मतलब। ग्रेवी तो बनेगा ना, ग्रेवी तो क्या बनता है, ग्रेवी प्याज ही ना, प्याज का ही ग्रेवी बनता है, प्याज तो ग्रेवी के लिए ही दिया जाता है, जैसे स्वाद के साथ साथ हमको ग्रेवी चाहिए ठीक, मतलब पूरा सा होना चाहिए ग्रेवी, आपको नहीं पतला नहीं मोटा, उसके लिए तो हमको ग्रेवी के लिए प्याज डालना, मतलब ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज्यादा प्याज डालना, प्याज नहीं ज्यादा डालोगे तो प्याज का स्वाद आ जाएगा ना, मतलब जितना मात्रा में हमें सब्जी बनानी है उस हिसाब से हम प्याज भी डालनी होती है। अच्छा। और प्याज उस हिसाब से डालोगे तो उसी हिसाब से हमें लहसुन भी डालनी पड़ती है क्योंकि प्याज मीठा होता है। प्याज लहसुन दोस्त दोस्त हैं, यही बोलना है इसका मतलब है। यार है दोनों यार, जहाँ प्याज जाएगा लहसुन जाएगा। अब देखो देखो यहाँ पर लहसुन भी हल्का सॉफ्ट हो गया है। हाँ दिख रहा है। हाँ अब डाल देते हैं टमाटर। टमाटर तो छोटे भाई को बहुत पसंद है, आयोसे भी उसी की पसंद का सब्जी बन रहा है, मतलब आज मेरे पसंद का नहीं, नहीं, नहीं आज तुम्हारे पसंद आज ठीक है, बताओ कोई मेरी चिंता ही नहीं करता। अब देखो टमाटर डाले ना, टमाटर डाले, अब इसके साथ ही हमको नमक डाल देना है जिससे पानी छोड़ने लगे, टमाटर का जो है टमाटर भी गल जाए और टमाटर का कच्चापन भी हट जाए। नमक का एक चीज ध्यान रखना होगा यहाँ पर क्या, जैसे ही टमाटर जितना क्वांटिटी में सब्जी बनानी है उस हिसाब से तुम यही नमक डाल दो, मतलब अब पहले और बाद में नमक नहीं, नहीं नहीं मतलब नहीं यही नमक, अभी नमक डाल दो। हाँ ठीक, हम अभी 1.5 चम्मच नमक डाल दो स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। मतलब मेन काम ग्रेवी का ही है, ग्रेवी स्वादिष्ट तो सब्जी स्वादिष्ट, ग्रेवी को भूनने पर निर्भर करता है, थोड़ा सा सब्र रख के भूनना पड़ता है। यहाँ जल्दी नहीं होनी चाहिए वरना फिर और लो पे ही है। हाँ लो मीडियम के बीच में रखे हुए हैं। अच्छा आप देखो नमक डाल के इसे थोड़ा सा मिला दिए, अब इसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं, ठीक चलाना नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा चलाना नहीं पड़ेगा और टमाटर भी धीरे धीरे गल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 मिनट हो गया, अब ढक्कन को हटाए हैं, अब देखो टमाटर देखो यहाँ पर हल्का हल्का टमाटर सॉफ्ट हो गया है। हाँ है देखो, इसको दाबेंगे ना इसे टमाटर सॉफ्ट हो गया, अभी पूरा नहीं हुआ है इसे अभी मतलब कम है। अब देखो इसमें डालते हैं हल्दी, हल्दी क्यों मतलब फ्लेवर के लिए कि कलर के लिए डालते हैं, कलर आता है। अच्छा अच्छा कलर आएगा, दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा तब खाने का मन होगा। वैसे भी हल्दी जो है सो आयुर्वेद भी है ना, आयुर्वेदिक भी है इसलिए।
तो हल्दी डाल दिए, इसे मिला देते हैं। मतलब चना आलू सब लास्ट में पड़ता है, पहले ग्रेवी बनाइए। पहले इसका जो है ग्रेवी नहीं, ये मसाला को भुनना हुआ, पानी डाल के जो बनता है उसको ग्रेवी कहते हैं। अच्छा। पानी डाल दिए तो ग्रेवी, मतलब ग्रेवी के मसाले हो। हाँ, अब देखो इसमें आलू डालते हैं। तो आलू कैसे उबाली होगी, कच्चे नहीं, कच्चा आलू है ये। दो आलू को, मीडियम साइज के आलू को हम छील लिए धो करके और बड़ा बड़ा पीस में काट लिए, ठीक है। यहाँ 200 ग्राम को चना को हम रात में ही भिगोने दिए थे। अच्छा, कितना समय देना पड़ेगा भिगोने के लिए? 10 से 12 घंटा, मतलब ओवरनाइट इसको भिगा देना है। अच्छा। अगर नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है शाम में बनाना है, इसको गर्म पानी में डाल करके 2.5-3 घंटा। चना का यही है, ये हम दांत भरे से भिगो हुए हैं, उसे उसके बाद निकाले, फिर दो बार पानी से धो दिए हैं आलू को। पहले हम आलू डालेंगे। अच्छा, पहले आलू जाएगा अंदर? हाँ, आलू जाएगा। आलू को थोड़ा सा हमको भुनना है। आलू है सब्जियों का राजा, सब्जियों का राजा भाई, आलू के बिना तो सब्जी बन नहीं सकती। सब्जी मतलब आलू। हाँ, आलू है सब्जी है। अगर किचन में सिर्फ आलू से सब्जी बन जाती है तो सब्जी लगेगा कुछ नहीं है किचन में। अब देखो इसे मिला देते हैं। मैं अभी से ही अच्छी लग रही हूँ। अभी से ना थोड़ा सा 1 मिनट के आसपास इसी तरह पकने दो। अच्छा, फिर से 1 मिनट? हाँ, 1 मिनट। अच्छा, अब देखो, अब इसे एक बार चलाते हैं। यहाँ देखो जो आलू का जो है, तुमको अंतर लग रहा है ना? हल्का हल्का आलू अंतर हो गया है। इससे क्या होता है, जो मतलब आलू का कच्चापन निकलता है, हर एक सब्जी में उसका स्वाद रहता है, उसका कच्चापन रहता है, तो उसे निकालना बहुत जरूरी होता है। अब डाल दिए। अब देखो यहाँ पर हम डालते हैं चना। अब चने की बाड़ी है। अब आई चने की बाड़ी। अब आई चने की बाड़ी भाई, चना है, चना जोड़ गरम, चना जोड़ गरम बाबू मल। गाना नहीं गाना है, अभी खाने पे कंसंट्रेट करना है। हाँ, खाना बनाना है। चलो मिलाते हैं। अभी ग्रेवी नहीं डालेंगे तो क्या बोलते थे, घुंघिया, क्या बोलते उसको? घुघनी। घुघनी बताओ, बबनी घुघनी खेबी, मॉडर्न एज के बच्चों। लेकिन वो भी टेस्टी लगता है, मतलब खाने चना का तो बिहार में खैर हर घर में नहीं, जैसे आईएएस एपीएस बनने की प्रथा है, छठ प्रथा है, उसी तरह हर घर में चने, चना का रहना प्रथा है, और चने की वैरायटियां बनने की भी प्रथा है। ये तो बिहार का, वैसे भी बिहार खाने का राज्य है, अलग अलग खाने। हाँ। अब देखो इसमें हम डालते हैं, हम चना डाल दिए हैं, चना डालते ही इसे मिला दिए। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। मसाले इसमें बहुत कम पड़ते हैं, लेकिन देख लो, मतलब वही जो मसाले सबके पास अवेलेबल हो, जनरल जो घर में मसाले हैं वही मसाले हम डालते हैं, और इससे बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। ठीक है, चलो देखते कौन कौन से मसाले। अरे इसके आगे में तो मटन भी फेल है, अगर सब्जी का मटन हो गया। क्या डाल रही होगी? हाँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, इससे ज्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर तो वैसे घर में अवेलेबल होता ही है। हाँ, घर में हम लोग घर में ही पिसाते हैं, बाजार में भी मिलता है, घर में पिसाया जाता है। जितना भी मसाले यूज करते हैं सब घर में बनाते हैं। ये देखो, ये है 1 चम्मच जीरा और काली मिर्च डाल करके पीस करके पाउडर बना के रखते हैं। अच्छा। अलग से काली मिर्च नहीं पीसते हैं, उसे अपना लोग की भाषा में मरीच भी कहा जाता है, जैसे काली मिर्च उसे मरीच भी कहते हैं। देखो 1 चम्मच है, वह डाल दिए। चलो बढ़िया। अभी कौन सा नेक्स्ट मसाला लाइन में खड़ा है? अब कश्मीरी लाल खड़ा है। जो कलर डालेगा? हाँ, कलर लाएगा कश्मीरी लाल, रेड रेड। अब देखो यहाँ 1 चम्मच भर के डाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हमको आधा कप पानी डाल देना। अच्छा, अभी थोड़ा सा ही पानी, थोड़ा सा ही, जिससे कि मसाला भुनने में हमको कोई परेशान, मसाला नीचे में बैठे भी नहीं और जले भी। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, तो डाल लो, थोड़ा सा पानी डाल दो। तो आधा ग्लास देखो, हम इसमें डाल करके तुम्हें दिखाते हैं। अच्छा। कितना पानी डालना है, बस इतना ही पानी हमको डालना है। अच्छा, सिर्फ थोड़ा सा ही? हाँ, थोड़ा सा ही। इसे मसाला क्या होगा, सूखा मसाला है ना, पिसा हुआ नहीं है। इसे डाल दिए, इसे मिला देते हैं। चलो, मस्त लगने लगेगा।
अभी एक ट्रिक बाकी है। अरे रे तो सस्पेंस हो गया, अभी क्या है ट्रिक बाकी है अभी, इसलिए चने का ट्रिक बाकी है, उससे और स्वादिष्ट हो जाएगी। हाँ अब लोगों को रुकना अभी वीडियो में। अब इसे हम 2-3 मिनट तक इसे ढक ढक के पका लेते हैं। अच्छा, जब तक इसे हम पकाते हैं तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, मम्मी की डिमांड है करना हाँ, पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह की रेसिपी पाने के लिए आप तक जल्द से जल्द पहुंच, उसके लिए बेल आइकन की घंटी को तो प्रेस कर ही दीजिएगा। चलो इतना तो कर ही दो भाई, जो भी आंटीज देख रहे हैं या सीनियर देख रहे हैं प्लीज कर दीजिए। अब इसे तो अभी मम्मी अब देखो 2 मिनट हो गया है इसे ढके हुए। अच्छा। अब इसे हटाते हैं ढक्कन को। अब एक पानी भाप बन के ऊपर आ गया था। देखो इसका जो है ना चना का भी लग रहा है ना, जो कच्चापन निकला है चना देखने में भी अंतर लग रहा है। अब इसमें से क्या करते हैं हम, एक कल छुली इसमें से चना और थोड़ा सा आलू निकाल लेते हैं हल्का सा। हाँ ठीक है, लेकिन ये तो समझ नहीं आया था उसका। देखो ना इसे ग्रेवी बहुत अच्छा बनता है। अच्छा कितना निकालना है लगभग? डेढ़ कलछू निकाले हैं। अच्छा। ज्यादा नहीं निकालना, डेढ़ कलछू निकाले हैं। अब इसे मिला देते हैं, ऐसे ढक करके पकाते हैं और तब तक जो है उसको ठंडा कर होने देते हैं, उसके बाद उसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। अच्छा उसको ठंडा होने देंगे? हाँ, ठंडा कर लेंगे, उसके बाद उसको मिक्सी जार में पीस लेंगे और तब तक इसे पकने देते हैं। अभी मसाला भी अच्छी तरह से नहीं भुनाया है, लेकिन सारा प्रोसेस में गैस का फ्लेम जो है लो, उसको लो और मीडियम के बीच में रखना है। अच्छा बहुत कम भी नहीं, हाँ, पकेगा ही नहीं फिर, मीडियम में रखो। और से भी चना को ना मीडियम में ही पकता है, नहीं तो चना जो है नहीं गलेगी, पानी तुम्हारा जल जाएगा, चना गलेगी। अब इसे ढक दे, ठीक है, फिर 2 मिनट पकाते हैं। अब तो बहुत समय हो गया मम्मी। हाँ देखो ना अब 4 मिनट तो हो गया है ना, इसे अब देखते हैं ढक्कन हटा के। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है सब्जी का, देखो वाह मस्त लग रही है। इसे चला बटन वाली फील आ रही है। हाँ। अब देखो ये जो पेस्ट बना के रखे हुए है ना, इसको अच्छा, जो बोले तो, थे वही चना जो रखे हुए थे उसका हम दरदरा कर लिए, इसमें पानी नहीं दिए है, बिना पानी का इसको पीस लेना है ठंडा करके। हाँ ठंडा करके आलू चना दोनों को मिला करके। अब इसे डाल देते हैं चम्मच से निकाल करके इसमें। इससे क्या होता है ग्रेवी जो बनाएंगे ना पूरा एकदम परफेक्ट ग्रेवी बनेगा और स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये बहुत लोग मिस कर देते हैं। हाँ, यही स्टेप मिस होता है ना। आप आलू और चने को थोड़ा सा ठंडा करके पीस ले, अच्छे से मिला दो फिर। हाँ अभी पानी नहीं देंगे तो पहले मिलाएंगे। देखो अभी लग रहा है ना पूरा सूखी चना जो बनता है ना उसमें भी अगर थोड़ा सा डाल दोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। बढ़िया। अभी नेक्स्ट तो ग्रेवी वाला ही काम है। हाँ, अब ग्रेवी डालना है। देखो ग्रेवी कितना डालेंगे, हमको जितना ग्रेवी रखना है। इसमें खास बात एक क्या है, अच्छा। अगर ज्यादा ग्रेवी रखोगे पूरा पानी रहेगा, आप तुम्हारा चना रहेगा एक साइड पानी रहेगी एक साइड, और ज्यादा सख्त रखोगे तो घुघनी हो जाएगी है ना, इसलिए इसे तो जो मीडियम में रखना है। हाँ इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पहले एक गिलास पानी डाल दिए, पहले मिला के इसको देखते हैं। अच्छा मतलब आप ट्राई कर लें कितना लग रहा है। हाँ मतलब थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, देखो अभी लगेगा, अभी इतना रखना है आपको, थोड़ा सा इसमें और लगेगा क्योंकि थोड़ा सा बढ़केगा अभी पानी ना। हाँ। सब भी होगा पकेगा। हाँ देखो इसमें जाके अभी और इसमें थोड़ा सा पानी, ग्रेवी थोड़ी सी थिक है अभी। डाल के देख लेते हैं। आई थिंक इनफ है, मतलब ठीक लग रहा है। अब नहीं डालना है। हाँ। अब इतना डालने देंगे। अब इसे क्या करेंगे हम, ढक्कन बंद करके गैस का, अब कुकर को ढक्कन बंद कर देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इसे 4 सीटी लगाएंगे। चार सीटी लगाएंगे
उसके बाद लो फ्लेम पर इसे करीब 2 मिनट हम पकाएंगे। अच्छा, पहले मीडियम फ्लेम पर चार सीटी, हाई पर लगा दोगे तुरंत फटफट सीटी लग जाएगा, उतना नहीं करना हमको, मीडियम पे पके जो, हाँ, हाँ, चार सीटी लगा देंगे। उसके बाद फिर जो है गैस का फ्लेम को हम लो कर देंगे और 2 मिनट उसे पका लेंगे, परफेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम हरी मिर्च जो रखे थे, हरी मिर्च उसको बीच से स्लाइड कर देंगे ऊपर में। और हाँ, देखो इसको हम छुरी से मार देंगे, हाँ, बीच में ऐसे कर दो। अच्छा, हल्का सा तीखा भी हो जाएगा, तीखा भी हो जाएगा। जैसे मिर्ची खानी होती है ना, पकी हुई मिर्ची, वैसे भी चना के साथ मिर्ची खाने में अच्छा लगता है। डाल दी, अब कुकर का ढक्कन को बंद कर देते हैं और फिर चलो। देखो यह बनकर तैयार हो गई है चने आलू की सब्जी, कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे खोलते हैं। वाह मम्मी, मस्त टेस्टी लग रहा। अब देखो इसे चला करके दिखाते हैं। वाह, एकदम चिकन वाली फील आ रही है, मटन चिकन वाली। देखो, अब देखो यहाँ हम थोड़ा सा चना जो है अभी गर्म है, लेकिन फिर भी हम तुम लोग को दबा के दिखाते हैं। देखो पूरी तरह से गल चुका है चना, सॉफ्ट हो गया है, मस्त एकदम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, दूसरे तक शेयर करिए, और अगला वीडियो को देखिए, वो भी आपको अच्छी लगेगी।